आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल में सेब सीजन लगभग 75 से 80% खत्म हो गया है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा गठित हाई पावर कमेटी अब तक निजी घरानों के लिए सेब के रेट तय नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मुख्य सचिव आरडी धीमान के साथ बागवानों की दो दौर की बैठक में भरोसा दिलाया गया था कि निजी घरानों की सेब खरीद के लिए हाई पावर कमेटी रेट तय करेगी और बार बार रेट गिराने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बागवानों की मिला आश्वासन जुमला साबित हुआ और अदानी व दूसरे निजी घरानों ने सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए सेब के रेट ओपन कर दिए। इस पर हाई पावर कमेटी ने संज्ञान जरूर लिया और सरकार के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए रेट तय करने के लिए नोटिस भी जारी किए। कुछ निजी घरानों की हाई पावर कमेटी की बैठक में नहीं आने पर कारण बताओ नोटिस भी दिए गए। साथ ही कमेटी ने एक्स्ट्रा स्मॉल और एक्स्ट्रा लार्ज सेब बढ़ाने को कहा। हाई पावर कमेटी के आदेशों के विपरीत अगले ही दिन अदानी ने सेब के रेट बढ़ाने की बजाय कम कर दिए। शुरुआत में एक्स्ट्रा मॉल सेब के रेट 60 से 58 रुपए, 5 दिन के भीतर 58 से 56 रुपए किए गए और सप्ताह बाद एक्स्ट्रा लार्ज की रेट भी 7 से 8 रुपए प्रति किलो कम कर दिए गए। नतीजा यह हुआ कि ओपन मार्केट में प्रति पेटी 400 से 600 रुपए प्रति पेटी की गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।